जो हुआ है उसे दोषियों को फांसी की सजा मिले, जिसमें हमारे जो वाल्मीकि के परिवार के लोग गांव-गांव में बस रहे हैं उनमें एक दहशत पैदा हुई है। उस दहशत को समापन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से हमारा भी एक आग्रह है कि गांव में जो वाल्मीकि परिवार बस रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा। हमारा वाल्मीकि समाज जो अभी कोरोना के चलते हुए लोगों ने अपने घर में बैठकर खाना पकाना खाया, बढ़िया पूरी पकवान खाए, और हमारे समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर दिन रात, कभी दिन नहीं देखा ना रात देखी, और सफाई का काम करते रहे। जिस बीमारी से हर व्यक्ति घबराता रहा हम उस बीमारी से लड़ते रहे। यही मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि मनीषा को न्याय मिले, दोषियों को फांसी। तो ज्ञापन किसको था? ज्ञापन मैंने जिलाधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है, और पूरा भारत का वाल्मीकि एक आस लगाए बैठा है कि जिस तरीके दिल्ली के निर्भय कांड में पूरी मीडिया ने बहुत ही हर्षोल्लास से उसको उठाया था मुद्दे को, और मेरा मीडिया से भी एक निवेदन है कि हम भी लोग इंसान हैं और हम ही लोगों से देश चल रहा है। तो एक आग्रह है मीडिया से भी मेरा कि वो इस मुद्दे को थोड़ा ऊपर उठाए और मनीषा को